चंद्रकांत और मंथन के बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बात नहीं बन पाई। आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। मनचाही सीट नहीं मिलने से अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और गठबंधन अब नहीं होगा। आम आदमी पार्टी अब अकेले ही हरियाणा के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मूड बना चुकी है। मनचाही सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दूरियां नजर आने लगी हैं। मुलाकात और मंथन के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बात नहीं बन पाई है। जैसा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कल अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी की गई थी, एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो कि लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई वो अब के बार में नजर आ रही है। मनचाही सीट न मिलने से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में यहाँ पर दूरियां अब नजर आ रही हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से 10 विधानसभा सीटों की मांग की गई थी कांग्रेस से कि 10 विधानसभा सीटें लड़ने के लिए हमें आप दीजिए, तो वहीं अब कांग्रेस की तरफ से केवल 3 सीटों को लेकर सहमति बनी थी और वो भी मनचाही नहीं थी। तो इसीलिए अब आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुलाकात और मंथन के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में नहीं बन पाई गठबंधन को लेकर कोई बात। नमित त्यागी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित त्यागी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अब गठबंधन को लेकर दूरियां नजर आ रही हैं, गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई, आपके पास क्या ताजा अपडेट्स है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो शुरुआती दौर में दिख रहा था कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन आसानी से बन जाएगा, लेकिन वो गठबंधन नहीं हो सका। और कल हमने देखा कि देर शाम आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और उनमें से जो 20 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने उतारे हैं उनमें से 11 सीट ऐसी हैं 20 में से जहाँ पर 11 सीटों पर ऑलरेडी कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और अब आम आदमी पार्टी ने भी उन 11 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। यानी कि मतलब साफ है कि अब गठबंधन का कोई रास्ता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, गठबंधन पूरी तरीके से टूट गया है। अब ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अपनी बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो कब जारी करती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक प्लान बी भी तैयार किया था कि अगर गठबंधन कांग्रेस से नहीं होता है तो फिर आम आदमी पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। यही वजह है कि जो पहली लिस्ट है वो 20 सीटों पर आई है और अब अगली जो आने वाली लिस्ट होगी उसमें आखिर कितने नाम होंगे ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि हरियाणा के अंदर पिछले एक महीने में जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं, चाहे उसमें सुनीता केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर भगवंत मान हो। तो ऐसे में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की अगली लिस्ट क्या आएगी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की अगली सूची पर तो सभी की नजर आई नमित, लेकिन देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अभी स्थिति जो है बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। समीकरण रोजाना बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। बात करें गठबंधन को लेकर, जैसा कि आप लगातार दर्शकों को जानकारी पहुंचा रहे हैं कि गठबंधन अभी फिलहाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में नहीं हो पाएगा, लेकिन अब जो मुकाबला एक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा था, अब एक पक्ष जो है एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी भी उभर सामने आएगी। हालांकि अभी तक तो कोई जनाधार नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस के लिए एक मुश्किल से भरा सबब रहेगा आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा मिलता नजर आएगा इसका, किस तरीके से देखते हैं आप नमित? देखिए बिल्कुल, आपको याद होगा कि जब दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी साल 2015 में, उस दौरान दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार को यानी कि कांग्रेस पार्टी को खत्म करके हुए दिल्ली में अंदर सुपड़ा साफ किया था आम आदमी पार्टी ने। लगभग हरियाणा के अंदर उतना तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कई सीटों पर वोट जरूर काटेगी, क्योंकि जो शहरी विधानसभा क्षेत्र है वहां पर आम आदमी पार्टी के ठीक ठाक वोटर है। और पिछले एक महीने में आम आदमी पार्टी ने जो दी है दिल्ली और पंजाब के जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल के आधार पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है, ऐसे में न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी के नेताओं के भी जो वोट है वो आम आदमी पार्टी काटती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से अनुराग ढांडा की बात करें जो कि आम आदमी पार्टी के ही एक उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि आखिर पिछले कई सालों में हमने देखा कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस जो है वो हरियाणा में आती है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक तीसरा विकल्प जो है वो लोगों के सामने बनकर आया। अब ये देखना होगा कि इस तीसरे विकल्प पर हरियाणा की जो जनता है वो आखिर कितना भरोसा जताती है। बिल्कुल, मुकाबला दिलचस्प हो चुका है नमित, अगर बात करें विधानसभा चुनाव को लेकर, अब तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ पर आम आदमी पार्टी खुद को रिप्रेजेंट कर रही है जनता के सामने। हालांकि फैसला तो जनता को करना है नमित, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी एक दूरदर्शी सोच के साथ चुनावी मैदान में उतरते नजर आए थे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, कि यहाँ पर हम अपने गठबंधन के साथ ही आगे बढ़ेंगे, जो एटिया गठबंधन हमने तैयार किया था उसे राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, बैक स्टेप नहीं लिया जाएगा। हालांकि गठबंधन आगे बढ़ नहीं पाया है, अब ऐसे में कांग्रेस के लिए आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मुश्किलें नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर सेम भूमिका में जहां पर अब कांग्रेस नजर आ रही है यहां पर आम आदमी पार्टी नजर आएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं नमित।
देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, यही वजह है कि अपनी दूरदर्शी सोच को लेकर राहुल गांधी ने शुरुआती दौर में पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया था और वो भी चाहते थे कि गठबंधन हो, क्योंकि उनको भी पता है कि जितनी मजबूत इस बार हरियाणा में कांग्रेस है उतनी ही मजबूत दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के साथ वो गठबंधन करते तो फिर दिल्ली के अंदर गठबंधन के बारे में आम आदमी पार्टी भी सोचती, लेकिन अब हरियाणा में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इतना सही रेस्पॉन्स आम आदमी पार्टी को नहीं दिया और यही वजह थी क्योंकि आम आदमी पार्टी के सामने बसंत कोई रास्ता बचा नहीं था। आखिरी दौर तक आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के फैसले का इंतजार किया क्योंकि 12 सितंबर यानी कि परसों का डेट आखिरी डेट है नामांकन की हरियाणा के अंदर उम्मीदवारों की। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने अपनी लिस्ट को जारी करने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं था, इसलिए आम आदमी पार्टी ने कल अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और हो सकता है कि आज आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जो है वो भी जनता के सामने आ जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब फरवरी में दिल्ली का चुनाव होगा तो वहां पर क्या ये जो गठबंधन में दरार पड़ी है हरियाणा में, क्या ये दरार फिर से भर पाएगी या फिर दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ये भी देखने की बात होगी। नमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी।